डोडा में सुरक्षा बल और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में अफसर समेत चार जवान शहीद हो गए। सूत्रों के हवाले से जानकारी है, डोडा के देसा इलाके में देर रात से मुठभेड़ जारी है। डोडा के जंगलों में इस वक्त एनकाउंटर चल रहा है। सर्च ऑपरेशन के दौरान आतंकियों ने फायरिंग की थी। आतंकियों की फायरिंग में सेना के जवान घायल हो गए। एनकाउंटर के बीच हाईवे पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। सेना ने पूरे इलाके की घेराबंदी की है। और ये कुछ देर पहले की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। डोडा के जंगलों में सर्च ऑपरेशन चल रहा है, आतंकियों के साथ मुठभेड़ की खबर है। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेर लिया है। और हमारे सहयोगी अंकित भट्ट इस खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए, उनसे बात करते हैं। अंकित, इस एनकाउंटर पर फिलहाल क्या अपडेट मिल रही है? मुठभेड़ क्या अभी भी जारी है? देखिए, जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है, जो हमारे सूत्र हैं वो हमें कंफर्म कर रहे हैं कि चार जवान जो है वो किल्ड इन एक्शन यानी कि वीरगति को प्राप्त हुए हैं। कल देसा के घने जंगलों के अंदर सुरक्षा बलों को ये इनपुट मिलती है कि इस घने जंगल के अंदर 2 से 3 आतंकी जो है वो छुपे हुए हैं। उसके बाद जम्मू कश्मीर पुलिस, भारतीय सेना और सुरक्षा बलों की तरफ से इन्हीं घने जंगलों के अंदर कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन चलाया जाता है। और उसके बाद आतंकियों के साथ तकरीबन 9 बजे के करीब जो एक्सचेंज ऑफ फायर है वो होता है। उसी बीच में जो जानकारी निकल कर सामने आई है वो ये कि चार जवान जो है वो वीरगति को प्राप्त हुए हैं। और आपको बता दें कि एक हफ्ते के अंदर ये चौथा एनकाउंटर जो है वो जम्मू कश्मीर में है। पहला पिछली सोमवार को कुठवा में हुआ, उसके बाद डोडा में हुआ, उसके बाद कश्मीर घाटी में, जब 3 आतंकियों को सुरक्षा बलों ने कुपवाड़ा जिले में ढेर किया लाइन ऑफ कंट्रोल के पास। और कल देर रात जब सुरक्षा बलों को ये जानकारी मिली कि इन्हीं घने जंगलों के अंदर आतंकी जो है वो छुपे हुए, उसके बाद इन घने जंगलों के अंदर कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन सुरक्षा बलों की तरफ से चलाया जाता है। और उसी बीच में एक्सचेंज ऑफ फायर भी आतंकियों के साथ होता है। और उसी बीच में जो पहले जो सेना की तरफ से जो अभी तक ऑफिशियल स्टेटमेंट है उसके मुताबिक 9 बजे के करीब जो है ये एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ है। और जो सूत्र है वो हमें कन्फर्म कर रहे हैं कि 4 जवान जो है वो शहीद हुए, वीरगति को प्राप्त हुए। लेकिन सेना जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से लगातार कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। बिल्कुल, लगातार आतंकियों की तलाश की जा रही है। और जिस तरीके से ये एनकाउंटर चल रहा है, इन आतंकियों को न्यूट्रलाइज करने के लिए सेना लगातार आगे बढ़ रही है। आप हमारे साथ बने रहिए, अंकित लौट रहे हैं आपके पास। और देखिए, जम्मू कश्मीर में आतंकवाद अंतिम सांस ले रहा है। आतंक के खिलाफ सेना की बड़ी कार्रवाई के बाद आतंकी बौखलाए हुए हैं, लिहाजा वो अपनी जगह बदल बदल कर आतंकी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। और जम्मू इलाके में क्यों बढ़ा अचानक से आतंक, जरा इस पर भी गौर करें। घाटी में कड़ी कार्रवाई से दहशत में है आतंकी श्रीनगर छोड़ जम्मू रीजन में सक्रिय हैं। राजौरी, पुंछ, डोडा, किश्तवाड़ में आतंकी एक्टिव हैं। जम्मू रीजन में 7 आतंकी ग्रुप सक्रिय हैं और पुंछ राजौरी में 35 से 40 पाकिस्तानी आतंकवादी सक्रिय हैं। अलग अलग इलाकों में दहशत फैलाने की कोशिश भी इनके द्वारा की जा रही है। और आइए अब एक नजर डालते हैं जम्मू रीजन में इस साल हुए आतंकी हमलों पर क्या बड़ी जानकारियां हैं इसको लेकर। तो देखिए, जम्मू रीजन में आतंकी जो हमले हुए उसमें 8 जुलाई 2024 को कठुआ में सेना के वाहन पर ग्रेनेड से हमला किया गया, 5 जवान इसमें शहीद हुए थे। 12 जून 2024 डोडा जिले में पुलिस चौकी पर हमला किया गया। 9 जून 2024 रियासी जिले में यात्री बस पर हमला किया गया, 9 लोगों की मौत हुई थी। और 10 मई 2024 पुंछ जिले के सानेई टॉप पर मुठभेड़ हुई। 4 जुलाई 2024 पुंछ में वायुसेना के काफिले पर हमला किया गया। वहीं 12 जनवरी 2024 को पुंछ में सेना के काफिले पर गोलीबारी की गई। तो ये सिलसिलेवार देखिए, इस साल किस तरह से आतंकी लगातार कोशिश कर रहे हैं कि दहशत का वो दायरा बढ़ाएं, लेकिन सेना का ऑपरेशन जारी। अंकित, ये इसके पीछे की मूल वजह क्या लग रही है? जिस तरह से लगातार आतंकी कोशिश कर रहे हैं, डेस्परेट अटेम्प्ट कर रहे हैं, न सिर्फ सेना बल्कि आम लोगों पर, यात्रियों पर भी उन्होंने हमले करने की कोशिश की, हमला किया, तो इसकी बड़ी वजह क्या मानी जा रही है, खासकर जम्मू के इलाके में? देखिए, जिस तरीके से कश्मीर घाटी के अंदर सेना ने आतंकवाद पूरी तरीके से लगभग खत्म कर चुकी है सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस, और ऐसे में आतंकी बौखलाए हुए हैं। मकसद आतंकियों का ये है, जो आतंकी कमांडर हैं वो, उनका मकसद ये है कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा या फिर लाइन ऑफ कंट्रोल।
आतंकियों को कश्मीर घाटी तक पहुंचाया जा सके। वही आतंकियों की रणनीति में भी काफी ज्यादा जो बदलाव है वो देखने को मिल रहा है, जो खास तौर पे सुरक्षा बलों के लिए एक बड़ी चुनौती देखने को मिल रही है। वो खास तौर पे हमने कुछ जो रजौरी में हमला हुआ, कुटवा में हमला हुआ, उसमें हमने देखा कि किस तरीके से आतंकी जो है वो सेना की वाहनों पर हमला करते हैं और उसके बाद जंगल की तरफ भाग जाते हैं। लेकिन इन सब के बीच अब सुरक्षा बलों की तरफ से जो स्ट्रेटेजी है वो तैयार की गई है, ताकि जम्मू संभाग में जो सूत्र है वो बताते हैं कि 50 इन आतंकियों का आंकड़ा है और ज्यादातर आतंकी पाकिस्तानी बताए जा रहे हैं। पूरी तरीके से अलग अलग जिलों में, अलग अलग इलाकों में कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं, ताकि जल्द से जल्द इन आतंकियों को न्यूट्रलाइज किया जाए। कल इसी तरीके का ऑपरेशन जो है वो सुरक्षा बलों की तरफ से चलाया गया। माना जा रहा था कि देसाई के इलाके में 2 से 3 आतंकी जो है वो छुपे हुए थे, जिसके बाद सुरक्षा बलों की तरफ से कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन चलाया गया और उसी बीच में एक्सचेंज ऑफ फायर होता है। लेकिन लगातार सुरक्षा बल जो है डोडा जिले में जिस जगह पे हम मौजूद है उससे उसी इन्हीं घने जंगलों के अंदर लगातार जो सर्च ऑपरेशन है वो चला रही है, ताकि जल्द से जल्द उन आतंकियों की धर पकड़ की जा सके, उन आतंकियों को उनके अंजाम तक पहुंचाया जा सके जिन्होंने इस कायराना हरकत को अंजाम दिया है। अंकित, 4 जवानों के शहीद होने की भी जानकारी मिल रही है, क्या इनके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मिल पाई है ऑफिशियली? देखिए, सेना की तरफ से अभी तक ऑफिशियल स्टेटमेंट जो है इसको लेकर नहीं दिया गया है। कल रात को एक स्टेटमेंट आया था जिसमें सेना की तरफ से कहा गया था कि एक्सचेंज ऑफ फायर में जो कुछ जवान जो है वो घायल हुए हैं, जिनका उपचार इस वक्त चल रहा है। लेकिन आज जिस तरीके से खबर निकलकर सामने है, सूत्र हमें कंफर्म कर रहे हैं अंकित, आपको रोकना चाहेंगे, एक बड़ा अपडेट आ रहा है, हम लौटेंगे आपके पास। और देखिए, जम्मू कश्मीर के डीजीपी का आतंकवाद को लेकर बड़ा बयान सामने आया। डीजीपी ने घाटी में आतंकवाद के लिए राजनीति को जिम्मेदार बताया है। डीजीपी स्वयं ने कहा कि क्षेत्रीय दलों की सरपरस्ती में बढ़ा है टेरर नेटवर्क। डीजीपी ने जमात के टेरर नेटवर्क को संरक्षण का भी जिक्र किया। टेरर फाइनेंसिंग के जिम्मेदारों को साथ मिला, ये कहा गया है डीजीपी की तरफ। The full truth is, Pakistan successfully came to infiltrate all important aspects of our civil society. Thanks to the regional so-called mainstream politics in the valley, there is overwhelming evidence to show that many had honed the art of running with the hare and hunting with the hound to a near science that left both the common men and the security men bewildered, frightened and confused. Visiting homes of killed terrorists and expressing sympathy in public became the new normal. While elimination of new recruits to terrorism was allowed and tacitly encouraged, those who facilitated the recruitment, arranged finances, were never investigated. And it was forbidden to even go near Jamaat-e-Islami that provided the religious and ideological justification to the perfidies of the terrorists and the Buriyat. This was despite being an open secret that the Jamaat network was not only able to sabotage government efforts to normalize the situation, but also had a terror finance network that played a big role in mobilizing street protests. और एक अहम खबर है, डोनाल्ड ट्रंप पर हमले में नया खुलासा हुआ है। TV9 भारतवर्ष पर यह बड़ा खुलासा, ट्रंप की सुरक्षा में हुई भारी लापरवाही, आखिरी समय में लिए गए कई गलत फैसले। और डोनाल्ड ट्रंप पर पेंसिल्वेनिया के बटलर में रैली के दौरान हुए हमले के बाद से ड्रोन तस्वीरें सामने आई हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, खुले ग्राउंड में ट्रंप के लिए स्टेज बनाया गया और पास में ही एक तालाब है और ग्राउंड से कुछ दूरी पर बिल्डिंग बनी है। ड्रोन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि स्टेज से 300 मीटर की दूरी पर वो बिल्डिंग भी नजर आ रही है जिसकी छत से शूटर ने ट्रंप पर गोली चलाई थी। तो ड्रोन तस्वीरों में साफ पता चल रहा है कि किस तरीके से शूटर के निशाने पर ट्रंप थे। पूरा एरिया, पूरा इलाका जहां पर ये हमला किया गया, ये अटेम्प्ट किया गया ट्रंप के ऊपर, वो नजर आ रहा है इन ड्रोन तस्वीरों में। और हमारे साथ हमारे सहयोगी मनीष झा जुड़ेंगे, लेकिन उसके पहले जरा कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, कुछ सवाल हैं, उस पर गौर करें। ट्रंप पर हमला चूक या साजिश, ये सबसे बड़ा सवाल है इस वक्त का। जिस बिल्डिंग की छत पर शूटर था वहां सुरक्षाकर्मी तैनात होने थे। रैली शुरू होने से पहले वहां सुरक्षाकर्मी की ड्यूटी लगी थी।
आखिरी वक्त में पुलिस को तैनात करने का फैसला बदला गया। बिल्डिंग के पास पार्किंग में पुलिस की 6 गाड़ियां थी, बिल्डिंग के पास पुलिस की लगातार आवाजाही थी। तो ये सारे सवाल हैं। हमले को लेकर अहम सवाल क्या है कि छत से शूटर को हटाने का आदेश किसने दिया था और क्या सुरक्षा में कमी प्लानिंग के तहत की गई थी? जब सुरक्षाकर्मी मौजूद थे तो छत पर नजर क्यों नहीं गई? बिल्डिंग के अंदर शूटर को घुसते सुरक्षाकर्मियों ने क्यों नहीं देखा? मनीष झा हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े। मनीष, कुछ चश्मदीद तो यहां तक भी कहते सुने गए कि उन्होंने सुरक्षाकर्मियों को बताया था कि सामने की छत पर कोई संदिग्ध है, लेकिन उसको नोटिस में नहीं लाया गया या उस पर ध्यान नहीं दिया गया। क्या इसमें कोई कॉन्स्पिरेसी नजर आ रही है या फिर ये एक ऐसी लापरवाही है जो होनी नहीं चाहिए थी? देखिए, अगर एक दो लापरवाही होती तो लगता कि हो सकता है कि सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से ये गलती हो गई है, लेकिन वो कहते हैं ना कि इतने इत्तेफाक भी इत्तेफाक से नहीं होते हैं। इतनी सारी गलतियां हुई है जो साफ तौर पर लग रहा है कि ये डेलिबरेट अटेम्प्ट था इग्नोर करने के लिए, शूटर को वहां पर पोजीशन देने के लिए। 150 मीटर दूर सामने की छत, जहां पर की सिक्योरिटी पर्सनल्स को तैनात करने का फैसला लिया गया था, सीक्रेट सर्विस और पेंसिल्वेनिया की पुलिस के बीच में ये तय हुआ था कि पेंसिल्वेनिया के सिक्योरिटी गार्ड्स उस छत पर मौजूद होंगे, क्योंकि वो एकदम सामने की छत थी जहां से सीधे 90 डिग्री पर ट्रंप दिखते, ट्रंप का मंच था। लेकिन वहां पर आखिरी मौके पर पुलिस पर्सनल्स को नहीं लगाया गया। इतना ही नहीं बल्कि उस बिल्डिंग के आसपास 6 पुलिस गाड़ियां दिखाई दे रही है। 6 पुलिस गाड़ियों के होने का मतलब है कि वहां लगातार पुलिस की आवाजाही हो रही थी। फिर ऐसी स्थिति में कैसे वो शूटर उस छत पर पहुंच गया, उस छत पर एक लंबे समय तक रहा, लगातार वो ट्रंप को निशाने पर बनाए रहा, और फिर जब ट्रंप का स्पीच शुरू हुआ तो उसने उसे गोली चलाई। इस बीच में उसे स्नाइपर देखते रहे, लेकिन स्नाइपर ने उसे नहीं मारा, तो कुल मिलाकर ये गोली चलने दिया गया। ये बात यहाँ एस्टैब्लिश हो रही है, और इसमें इग्नोरेंस नहीं बल्कि जानबूझकर उसके लिए प्लेटफॉर्म दिया गया, ये बहुत हद तक साबित होता हुआ दिख रहा है। बिल्कुल मनीष, कई सवाल हैं जिसके जवाब जांच के बाद ही सामने आ पाएंगे। हमारे साथ आप जुड़े रहिएगा। मनीष, देखिए, बात करेंगे अब ओमान से आ रही एक खबर की। ओमान की एक मस्जिद में भारी गोलीबारी की खबर है। गोलीबारी में कई लोगों के मारे जाने की भी जानकारी है। ओमान के वादी अल कबीर इलाके में ये पूरी घटना घटी है। तो देखिए, गोलीबारी में कई लोगों के मारे जाने की खबर है। ये एक मस्जिद है जहां भारी गोलीबारी हुई। तो देखिए, ये एक्सक्लूसिव वीडियो आपको दिखा रहे हैं TV9 भारतवर्ष पर, और इसी पर ज्यादा जानकारी देंगे हमारे सहयोगी मनीष झा, उनसे बात करेंगे। मनीष, हम सुन रहे हैं अंधाधुंध गोलियां चल रही हैं, मस्जिद के भीतर ये गोलियां चलाई जा रही है। कौन थे ये लोग जो कि मस्जिद के अंदर अंधाधुंध गोलियां चला रहे थे? बिल्कुल, देखिए, ओमान के की राजधानी मस्कट में एक वाडी कबीर इलाका है, जहां पर मस्जिद में करीब 700 लोग मौजूद थे। उस बीच खबर आई कि कुछ आतंकी वहां पर पहुंचे, आतंकियों ने वहां पर गोली चलानी शुरू कर दी, जिसके जवाब में फिर पुलिस वहां पर पहुंची और पुलिस और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई है, जिसमें 4 लोगों के मारे जाने की और कई लोगों के घायल होने की बात कही जा रही है। उस मस्जिद कंपाउंड में 700 लोग मौजूद थे। 700 लोगों के बीच में आतंकी और पुलिस वालों के बीच में ये मुठभेड़ होती है। अभी तक ये कंफर्म नहीं हो पाया कि क्या सारे आतंकियों को एलिमिनेट कर दिया गया है या फिर अभी भी वहां पर आतंकी छुपे हैं। मस्जिद का कंपाउंड काफी बड़ा है, काफी संख्या में लोग वहां पर हैं, कैजुअल्टी और ज्यादा हो सकती है, इसकी भी आशंका है। और इस बीच पुलिस और आतंकियों के बीच वहां पर मुठभेड़ होती है। मुठभेड़ में 4 लोगों के अब तक मारे जाने की पुष्टि हुई है, लेकिन ये भी संख्या बढ़ सकती है। शुक्रिया आपका मनीष, पूरी जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो 4 लोगों के मारे जाने की खबर इस पूरी घटना में और कई लोग घायल भी हुए हैं। बहरहाल, बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे, अगली खबर का रुख कर रहे हैं। IAS पूजा केडकर के सरकारी आवास पर पुलिस पहुंच गई है। देर रात 3 महिला पुलिसकर्मी वॉशरूम में पूजा के आवास पर पहुंची। सिविल ड्रेस में अन्य पुलिसकर्मी भी मौजूद थे। सरकारी आवास पर कई घंटे तक मौजूद रही पुलिस। और ट्रेनी IAS पूजा खेड़कर पर बड़ा खुलासा सामने आया। मेडिकल में एडमिशन के दस्तावेज से खुलासा, 2007 के मेडिकल प्रमाण पत्र में फिट थी, प्रमाण पत्र में दिव्यांगता का कोई जिक्र नहीं था। पुणे के काशीबाई नवले मेडिकल कॉलेज के निदेशक डॉक्टर अरविंद भोरे का दावा। और इस खुलासे पर पूजा खेड़कर का क्या कहना है, आइए सुनते। ये जो टेक्निकल चीज़ें हैं, तो आप मुझे पूछ रहे हैं, उन्होंने इसीलिए एक एक्सपर्ट कमेटी इस्टेब्लिश की है, और जो भी इसके टेक्निकल डिटेल्स है और जो भी मेरा उसका मेरा सबमिशन है, आई विल डेफिनेटली गिव दैट।
और अब आपको बताते हैं कि मेडिकल कॉलेज में एडमिशन के दौरान पूजा ने क्या क्या दस्तावेज जमा किए थे। आइए इस पूजा खेडकर की कहानी में नया मोड़ आ गया है। दरअसल फिटनेस को लेकर नया खुलासा हुआ है। ये देखिए जो खुलासा हुआ है वो आपको बता रहे हैं। पूजा ने 2007 में MBBS में दाखिला लिया था। श्रीमती काशीबाई नवले मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लिया था और खानाबदोश जनजाति थर्ड श्रेणी में कॉलेज में सीट हासिल की थी। पूजा ने जाति प्रमाण पत्र, जाति वैधता सर्टिफिकेट जमा किया था। जी आगे जानकारी ये कि पूजा ने मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट भी दिया था और पूजा ने विकलांगता का कोई जिक्र नहीं किया था। तो अब इस पूरी इन्वेस्टिगेशन में एक नया मोड़ आ गया है और पूजा के मेडिकल सर्टिफिकेट पर श्रीमती काशीबाई नवले मेडिकल कॉलेज के डायरेक्टर का क्या कहना है, आइए सुनते हैं। She was admitted in 2007, the first year of her college. The college was newly started. And she got admission through NT3 category, belonging to Vanjari community. So she got admission through CET only. She had submitted the caste certificate, caste validity, and non-criminal certificate. She has submitted the certificate of medical fitness, which does not mention any disability in her. खबरों में आगे बढ़ेंगे। भारी बारिश के बाद महाराष्ट्र के रत्नागिरी में जबरदस्त लैंडस्लाइड की घटना सामने आई है। लैंडस्लाइड की वजह से स्थानीय लोग दहशत में हैं। वहीं गुजरात में भी पिछले कुछ दिनों से लगातार बारिश हो रही है। भारी बारिश की वजह से कई नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। सूरत में भारी बारिश के बाद नदियां उफान पर हैं। जलस्तर बढ़ने से कई गांव का आपस में संपर्क टूट गया है। बिहार के पश्चिम चंपारण में भी गंडक नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। कई गांव में पानी घुसने से बाढ़ जैसी स्थिति बन गई है। महाराष्ट्र के नासिक में अंजनेरी पहाड़ पर घूमने गए 200 पर्यटकों के लिए बारिश देखते ही देखते मुसीबत बन गई। करीब 6 घंटे तक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर किसी तरह से फॉरेस्ट विभाग ने इन पर्यटकों की जान बचाई। असम के मोरीगांव में भी बाढ़ से लोगों का हाल बेहाल। और आगे बढ़ते बात करेंगे पाकिस्तान में बढ़ती महंगाई के एजेंडे की। महंगाई से त्रस्त पाकिस्तान की जनता पर फिर से फूटा है पेट्रोल बम। पाकिस्तान में पेट्रोल पहुंचा है 275 रुपए लीटर। डीजल की कीमत में भी इजाफा हुआ है। पाकिस्तान में डीजल की कीमत 283 रुपए लीटर है। और अब एक नजर डालते हैं पाकिस्तान में बढ़ती महंगाई के दर पर। पेट्रोल डीजल के साथ साथ खाने पीने की कीमतें भी, खाने पीने की चीजों की कीमतें बढ़ी हैं, उससे जनता त्राही माम कर रही है। तो पेट्रोल की बात करें तो पेट्रोल 275 रुपए प्रति लीटर है। डीजल की बात करें 283 रुपए प्रति लीटर डीजल है। दूध 213 रुपए प्रति लीटर, अंडे 400 रुपए प्रति दर्जन, मटन 2000 रुपए प्रति किलो, चिकन 615 रुपए प्रति किलो, प्याज 250 रुपए प्रति किलो और चावल 230 रुपए प्रति किलो बिक रहा है। आटा 150 से 200 रुपए प्रति किलो बिक रहा है। तो महंगाई की मार से त्राही माम कर रहे हैं पाकिस्तान के लोग।